नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रश्मि। गीतांजलि की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपके लिए एक आज नया रेसिपी लाई हूँ। चलिए मैं बनाती हूँ। देखिए दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने किचन में। अब आज मैं आपके साथ चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि झटपट फटाफट बन जाएगी। दिया है एकदम साफ से, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 500 ग्राम चिकन आप लिए हैं तो आपको 500 ग्राम प्याज भी लेना है, एकदम बराबर मात्रा में। ये 500 ग्राम हमारा प्याज है, जो कि बारीकी से हम अच्छे से धुल के, छिलका छिल के धुल के काट लिए थे। देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ है, फ्रेश है। और बराबर मात्रा में इसलिए प्याज लेना है दोस्तों, क्योंकि हमारा रस गाढ़ा बनेगा और बहुत टेस्टी भी बनेगा। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। इधर हमारा कढ़ाही भी गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें डालेंगे हम अब सरसों का तेल। देखिए दोस्तों, कढ़ाही गर्म होने के बाद ही तेल डालना है इसमें। इसमें लगभग हम 100 ग्राम सरसों का तेल डाल चुके हैं। देखिए तेल हमारा हो गया है गर्म। इसमें डालेंगे अब हम जीरा। ये देखिए जीरा, जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे हम। देखिए दोस्तों, जीरा हमारा चटक चुका है। अब इसमें कुछ बारीकी टुकड़ों में ये है हमारा दालचीनी, जो खड़ा गरम मसाला, इसको इसमें हम ऐड कर देंगे। ये है हमारा लौंग, ये 5 लौंग है, आप देख सकते हैं। इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब ये हम डालेंगे इलायची। ये देखिए, ये 3 इलायची है, इसको मुंह खोल खोल के अच्छे से डाल देना है इसमें। आप जब भी डाले दोस्तों, तब मुंह खोल के ही डाले इसमें। देखिए मेरा ये सब चटक चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। ये हमारा फोरन हो गया है लाल। अब इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। गैस का फ्लेम दोस्तों रखना है तेज तेज आज पे। हमें इसे बराबर प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाना है। हाँ दोस्तों, अगर आप जल्दबाजी में हैं, अगर आपके यहाँ गेस्ट आ गए हैं, या फिर आपको ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जाना है, अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमें वहाँ बना के खा लेना है, आप इसमें ऐड कर दीजिए नमक। देखिए दोस्तों, इसमें कर रही हूँ अब मैं ऐड नमक, 1 चम्मच, 2 छोटी चम्मच, 3 छोटी चम्मच नमक। दोस्तों आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर देना है। इसे अपने छोलनी के सहारे से अच्छी तरह से चला देना है। देखिए दोस्तों, प्याज हमारा धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है, गल रहा है। इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाना है हमें। देखिए दोस्तों, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तेज पत्ता, जो कि अच्छे से मैंने इसे धो लिया है। इसे ऐड कर देना है और चला देना है। देखिए दोस्तों, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। आराम से, स्थिर से आप देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा। इसको अच्छी तरह से चला देना है, आराम आराम से। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से चला के इसे अब हमें ढक देना है और गैस का फ्लेम करना है थोड़ा सा लो।
देखिए दोस्तों, हम इसे ढक के पका रहे थे। देखिए इसको अच्छी तरह से फिर से चला देना है। इसी तरह से दोस्तों ढक ढक के पकाने से हमारा चिकन जल्दी पक जाएगा और गोल्डन ब्राउन होने तक भुन भी जाएगा। देखिए इसे फिर हम ढक रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्याज और साथ में चिकन दोनों हमारा लाल हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले। देखते रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों। ये है मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। ये 3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच चिकन, मटन और मछली में धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा ही डाला जाता है। देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, लहसुन, जीरा मरीच, अदरक सबका पेस्ट, जो कि सिलबट्टे पे मैंने तैयार कर लिया था, आप इसे देख सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। सबको अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए दोस्तों, रस को गाढ़ी होने के लिए थोड़ा सा मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को सिलबट्टे पे मैंने पीस ली थी, देख सकते हैं आप इसे। देखिए इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि रस हमारा इससे गाढ़ा हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिला के और ढक ढक के पकाना है ताकि हमारा अच्छे से जल्दबाजी में पक जाए। देखिए दोस्तों, अब मैं इसे चला रही हूँ। देख सकते हैं आप कितना सुंदर ये कलर आया है। देखिए किनारे किनारे से तेल भी निकल गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये मेरा कलर आया है। इसे मैं चलाऊंगी। अब लगभग ये चिकन मेरा हमारा फ्राई हो चुका है। इसे चलाना है थोड़ा सा दोस्तों, इसे और फ्राई करेंगे हम अच्छी तरह से ताकि हमारा बहुत अच्छा टेस्ट आए, घर वाले सारे एकदम खुश होके खाएं हमारा। अब देख सकते हैं, देखिए कितना प्यारा दोस्तों ये कलर आया है हमारा। देखिए दोस्तों, हमारा चिकन एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अगर दोस्तों आपके घर में बच्चे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ मम्मी हमें फ्राई ही खाना है, तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए ये पक भी चुका है। देखिए अच्छे से ये सॉफ्ट होके पक गया है। अब आप इसे सूखा खाना चाहते हैं तो सूखा ही खा सकते हैं। अगर आपको इसे चावल के साथ मज़ा लेना है, थोड़ा सा हमें रस डालना पड़ेगा इसमें। देखिए इसमें अब मैं थोड़ा सा रस ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा अब मैं रस ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ही डालना है दोस्तों, 1 गिलास 1.5 गिलास, ज़्यादा नहीं, नहीं तो रस हमारी हो जाएगी पतली। देखिए दोस्तों, जब हम नमक डाले थे उस समय फ्राई के अकॉर्डिंग डाले थे। अब इस समय इस तरह से अपने हाथों पे रख के रस को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रस में नमक कम लगे तो ऐड कर सकते हैं। हमारा नमक एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ चिकन मसाला, थोड़ा सा ऊपर से छिड़क देना है।
ये भी है मीट मसाला, इसे भी थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए इसे भी अच्छी तरह से मिला देना है। देखिए ये हमारा कलर आया है, आप देख सकते हैं। देखिए और एक बात, तो हाँ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप परवल, भिंडी, कद्दू का पेड़ या खेत देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं ले चलूँगी आपको घुमाने के लिए। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर हरियाली लगेगा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा ढकने के लिए छोड़ देती हूँ। दोस्तों अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो आपको तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको, आपके तक पहुंचे। हाँ, और चिकन को गर्मा गर्म पूरी पराठा रोटी के साथ मजा ले सकते हैं, चावल पुलाव के साथ मजा ले सकते हैं। बनाइए अपने फैमिली दोस्तों के साथ, मजा लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा दो मेरा चिकन, चिकन का रेसिपी। देखिए दोस्तों इस तरह से हमें गार्निश करना है। देखिए दोस्तों इस तरह से गार्निश करके हमें अपने गेस्ट के सामने, अपने फैमिली के सामने सर्व करना है।